सोचे क्या हो, अगर कोई भी रीजनिंग का सवाल आपके सामने आए और आपको उसको करने के लिए बस ऑप्शन देखने हो और टिक कर देना हो तो कितना इजी हो जाएगा ना रीजनिंग सॉल्व करना। अगर रीजनिंग और मैथ्स के सवाल इस तरीके से सॉल्व होने लगे तो पेपर को हमें जीएस और हिंदी जैसे ही सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है रीजनिंग करने में लगेगा। और हाँ बिल्कुल सही बात है, इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, केवल एक चीज समझनी और आंसर देखते ही ऑप्शन हो जाएगा। एक इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आए आपको दो कोई टाइम दे रखे हो उसके बीच में कितने भी डिग्री का कोण दे रखा हो तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है 12/11। इसका क्या करना है, 12/11 में आपको गुणा करना है किसका, 6 से 7 बजे के बीच। देखिए 6 का मतलब है घंटे वाली सुई 7 के बीच तक, 7 तक तो टाइम हो रहा होगा 6:06। तो 6 पे जब सुई होती है तो 90 डिग्री का कोण कहाँ कहाँ बनाती है, तो देखिए जब 6 पे सुई होती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है 3 पे, क्योंकि 3 और 6 के, अगर हम क्लॉक की बात करें तो 6 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। हमें बस ध्यान रखना है जो भी समय दे रखा है उसमें घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कौन से अंक पे कोण बनाती है, और मिनट यहाँ पे कितना होता है 15वां। बस 15 गुणा करिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है 12/11 का जब गुणा 15, क्योंकि ये वैल्यू 1 point something है, जब होगा तो लगभग जो आंसर जाएगा वो केवल और केवल 16 के आसपास ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो अगर आपको 12/11 फॉर्मूला याद है और आपको पता है बस 6 बजे पूछा है तो 6 पे 3 होगा 15 गुणा हम आंसर तुरंत की तुरंत कर देंगे। तो इतना ही इजी है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना। वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल एकलव्य एकेडमी कास्टगंज, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। जैसा कि हमने देखा क्लॉक का इस तरह का क्वेश्चन जिसमें हमें दो समय के बीच में यानी कोई भी 2 hours के बीच में और कौन पूछ लिया जाता है कि कब होगा इतने डिग्री का कौन, तो उन सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बहुत ही मजेदार सी ट्रिक हमारे साथ में है। तो आइए करते हैं उसका डिटेलिंग, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल आपके जैसा कि सामने है 6 और 7 बजे के बीच घंटे और मिनट वाली सुई के बीच, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, और ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, जब भी कभी आपको कोई भी दो समय यानी इतने से इतने बजे के बीच में कोई भी समय दे दिया जाए तो आपको उसको सॉल्व किस तरीके से करना है, एक बस ये फॉर्मूला है इसको रख लीजिए, ये फॉर्मूला है, वो लंबे से जो फॉर्मूले होते हैं ना हमें वो कुछ भी नहीं करना, 12/11 एक फॉर्मूला है, इसमें ध्यान रखिएगा किसका गुणा करते हैं, मिनट वाली सुई का, यानी मिनट वाली सुई जहां भी होगी ये जो गुणा है, और 12/11 में मिनट वाली सुई का गुणा किस हिसाब से करते हैं ये समझने के लिए हम समझते हैं। देखिए 7 से 8 बजे का मतलब हो गया 7 से 8 के बीच, या 6 से 7 के बीच। तो देखिए 6 से 7 तक का मतलब है 6:59 तक भी 6 वाला समय होगा, तो हमें घंटे वाली सुई को कहां देखना है, जो भी समय हमें पहला वाला दे रखा है, तो जब घंटे वाली सुई 6 पे होगी तो मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण, क्योंकि 90 डिग्री का कोण पूछा है तो मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण दो जगह बनाती है। अगर हम क्लॉक की बात करें तो देखिए एक 9 पे भी बनता है 6 से और एक 3 पे भी बनता है, इसका मतलब है 12/11 गुणा 15 भी होगा और 12/11 गुणा 45 भी होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस की तरफ नजर मारेंगे तो 45 को लेके कोई भी ऑप्शन नहीं है, सो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें ये दोनों ऑप्शन दे रखे होते, ये भी दे रखा होता और ये भी, यानी अगर 45 का गुणा करेंगे 12/11 में तो इसका आंसर आता है 6:48 सही 1/11 पे, सो सॉल्व करोगे तो ये 49 सही, तो 6:49 सही 1/11 मिनट, इसका आंसर ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्योंकि एक ऑप्शन था हमने ये सही कर दिया, अगर दोनों ऑप्शन होते तो एक ऑप्शन जरूर दिया जाता है, ए और बी दोनों। तो इस तरीके के सवालों को करने के लिए बस इतना समय करना है, और अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है 12/11 माइंड में है 6 वाला समय माइंड में है तो आप 90 डिग्री कोण तो इतना हमें वॉच देखना आती है, हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस सवाल लिया और आंसर हो गया। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, सवाल का पूरा लैंग्वेज सेम रहने देते हैं, बस यहाँ हम चेंज कर देते हैं 6 से 7 के बदले हम ले लेते हैं 2 से 3, ठीक है ना, 2 से 3 बजे के बीच, और हम अब कोण ले लेते हैं यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है, 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। देखिए तुरंत हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, अगर मेरे माइंड में है 12/11, भाई 12/2 से 3 का मतलब है 12/11 में किसका गुणा करना है, 2 वाली सुई, ठीक है ना,
तो दो वाली सुई घंटे वाली होगी, तो मिनट वाली 180 डिग्री का कहाँ बनाएगी भाई। हमें वॉच में बताया ना, दो और आठ एक दूसरे के सामने होते हैं, तो आठ में बनाएगी, और आठ में मिनट वाली कितने मिनट होते हैं, 40। तो आंसर मुझे पता है, ऑप्शन में मैं वही आंसर कर दूंगी जो 40 के आसपास होगा, और इसका जो आंसर आता है वो आएगा कितना है, 2:43 सही 7/11 मिनट। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होगा 43, 53, 54, 35, कितने भी ऑप्शन होंगे, जहां भी मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आएगा 2 से 3, यानी घंटे वाली सुई 2 पे है, तो मिनट वाली 180, ये देखिए कौन कहां पे, तो 2 से कौन कहां बनता है 180 का, 8 पे, आपको बस 12/11 × 8, 8 का मतलब है 40, और जब आपको पता है 12/11 की वैल्यू 0.1 समथिंग होगी, तो 40 से कुछ ही आगे बढ़ेगा, यानी 40-45 के बीच में आंसर आएगा। आप सवाल को देखोगे और आंसर कर दोगे। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे सवाल आप अपनी बुक में खोलिएगा, बस यूं ही आप टिक करते जाएंगे, आपको किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी तरीके की जरूरत नहीं होगी, आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं होगी। आप केवल ऐसा लगेगा कि जीएस के ऑब्जेक्टिव या हिंदी के ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी हमें रीजनिंग और मैथ्स वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ट्रिक्स से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट किसी अच्छे तरीके के साथ।